बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हम मज़ेदार सा फ्रूट रेफल्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1 लीटर हमने दूध चूल्हे पर चढ़ा लिया है, थोड़ा हमने अलग दूध कच्चा निकाल लिया है। अब हम इसमें अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड करेंगे। हमारे पास वनीला टेस्ट, तो आप अपने हिसाब से जो भी फ्लेवर लेना चाहें ले लें। हल्का सा मिक्स कर लें। जैसे ही हमारे दूध में ऑयल आएगा हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 ऑयल दूध में आ चुके हैं। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। इसे फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है आपने। साथ साथ आप मिक्स करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 5 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे। कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। तो हमारे पास ऑलमंड की थी, अगर आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाइएगा। तो फ्रेंड्स, कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। तो हम इसमें केक की लेयर लगाएंगे। फ्रेंड्स, केक की लेयर लग चुकी है। अब इसमें हम अपना कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, केक हमारा डिप हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास मिक्स फ्रूट है, हम वो ऐड कर देंगे। आपको जो भी फ्रूट पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे। अब हम इसमें जेली ऐड करेंगे। जेली हमारे पास 2 किस्म की थी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी कलर हो आपको पसंद हो वो ऐड कर दें। फ्रेंड्स, हमारा फ्रूट रेफल तैयार हो चुका है। इसको इस तरह के ग्लास में भी आप सर्व कर सकते हैं फ्रूट रेफल्स को। अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।